सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल टॉप से टूडे में। आज हम डिस्कस करने वाले जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक में आज के दिन 5 रुपए 50 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 4% से भी ऊपर का अपसाइड मूव दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 135 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे का एक सपोर्ट लेवल बना 103 रुपीज पर। 103 रुपीज पर स्टॉक ने नीचे का एक सपोर्ट लेवल बनाया। यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 2 बार सेम प्राइस को रिटेस्ट करके स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मूव देखने को मिलता है। स्टॉक में ऊपर का एक रुकावट रेंज थी 125 रुपीज का। स्टॉक ने पहले भी इस प्राइस को ब्रेकआउट दिया था जहां पर स्टॉक ने 133 रुपीज का हाई बनाया था। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक ने 112 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है। अब स्टॉक का जो फ्रेश सपोर्ट लेवल है वो 113 रुपीज पर बन चुका है क्योंकि यहीं से स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। तो अगर आप इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 125 रुपीज के एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के टारगेट अराउंड 165 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। जब तक स्टॉक 125 रुपीज से ऊपर रहता है स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।